नमस्कार, मेरा जी श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के पांचवी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक परिसर अध्ययन भाग एक के पाठ एक हमारी पृथ्वी हमारा सौरमंडल पाठ में अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि हमारी पृथ्वी हमारा सौरमंडल पाठ सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों और तारों की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें कहानी की पंक्तियों के साथ आसपास के परिवेश की वस्तुओं के माध्यम से गणित और हिंदी विषयों को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं भी पाठ से अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न वस्तुओं विभिन्न विषय वस्तुओं जैसे विभिन्न खगोलीय पिंड ग्रह उपग्रह तारे आदि की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश, सबसे पहले इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में 7 समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि निर्धारित विषय वस्तु के से विभिन्न प्रश्नों को संकलित कर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं। समूह आपस में प्रश्न बैंकों की अदला बदली कर एक दूसरे की जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों को संकलित कर कक्षा का एक प्रश्न बैंक बना लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेते हैं। आइए इन प्रश्नों के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? उत्तर, सौरमंडल। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं? उपग्रह। किस बल के कारण किसी भी वस्तु की स्थिति पृथ्वी पर बनी रहती है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के लागू करने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच सामंजस्य बनता है। छात्र शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ विषय वस्तु और अपने परिवेश में अवलोकन तथा अनुभव से जानकारियों को संकलित करते हैं और आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं एवं गतिविधियों की चर्चा करते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे छात्र नए नए शब्दों को लिखते हैं, अर्थ समझते हैं और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग कर वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा के ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में दृढ़ता एवं विनम्रता जैसे मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण एवं समस्या समाधान जैसे जीवन कौशल का विकास होता है। सामूहिक गतिविधि होने से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का माहौल बनाता है। इससे यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। इसमें विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक हमारी पृथ्वी
हमारा सौरमंडल पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप चेक IIAI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो जेट IIAI के Facebook पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पार्सल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत